तो दोस्तों इस वीडियो में आपको व्हाट्सएप की पांच बहुत ही कमाल की ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हो, अगर आप इन ट्रिक्स का यूज करोगे तो आप अपने व्हाट्सएप में किसी को जब भी मैसेज करते हो तो नॉर्मल इमोजी सेंड करते होंगे, लेकिन इस ट्रिक का यूज करने के बाद आप जो नॉर्मल इमोजी है उसकी जगह एक एनिमेटेड इमोजी सेंड कर पाओगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जो दिखने में काफी अच्छा लगता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों अगर आप इन ट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना, आपको सभी ट्रिक्स के बारे में पता चल जाएगा। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं नाम है अनुज, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी चैनल। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों व्हाट्सएप पर नॉर्मल इमोजी तो हम सब सेंड करते हैं, आपने भी सेंड जरूर करा होगा, लेकिन दोस्तों आपको मैं फर्स्ट ट्रिक में बताऊंगा कि आप नॉर्मल इमोजी की जगह एक एनिमेटेड इमोजी कैसे सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप पर। अगर आप किसी को सेंड करोगे तो वो भी आपसे पूछेगा कि आपने ऐसा कैसे किया। दोस्तों अगर आप ऐसा करना चाहते हो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, इसका नाम आपको देने को मिलता है बोबल कीबोर्ड। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देने को मिलेगी, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके ओपन करोगे उसके बाद आपको इस कीबोर्ड को एनेबल कर देना है और एक डिफॉल्ट कीबोर्ड के रूप में इसको सेट कर देना है। जैसे कि आपको पहले वाला कीबोर्ड था उसी की जगह आपको सेट कर देना है। जैसे आप इसको सेट कर दोगे सभी परमिशन दे दोगे, उसके बाद आपको व्हाट्सएप पर आना है, जिसको भी मैसेज करना है सिंपल से उस पर क्लिक करना है चैट पर जाकर और टाइप मैसेज पर क्लिक करके जैसे आप नॉर्मल इमोजी सेंड करते हो वैसे आप नॉर्मल इमोजी सेंड कर पाओगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको एनिमेटेड इमोजी सेंड करना है तो आपको सिंपल से वो जो इमोजी देने को मिलता है उस पर आपको क्लिक कर रखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जिसकी मदद से आप एक एनिमेटेड इमोजी सेंड कर पाओगे उसका जो एक्सप्रेशन होता है काफी कमाल के आपको देने को मिल जाते हैं। दोस्तों इस प्रोसेस की मदद से आप किसी को भी एक एनिमेटेड इमोजी सेंड कर सकते हो अलग अलग तरह। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों बात करते हैं हमारी सेकंड ट्रिक की। तो दोस्तों हमारी ट्रिक नंबर सेकंड आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल आपको देने को मिलती है। मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जो आपको व्हाट्सएप पर बार बार मैसेज करता है, उसकी नोटिफिकेशन से आप परेशान हो चुके हो और आप चाहते हो उस नोटिफिकेशन को परमानेंटली म्यूट करना, यानी जब भी आपको कोई मैसेज करे हो फालतू के तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिले तो कैसा कर सकते हो। सिंपल से आपको इसके लिए व्हाट्सएप पर जाना है, उसकी चैट को ओपन करना है। जैसे आप चैट ओपन करोगे आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है ऊपर, जैसे उस पर क्लिक करोगे आपको एक ऑप्शन देने को मिल जाएगा म्यूट नोटिफिकेशन का। सिंपल से ऑप्शन को आपको एनेबल कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन को एनेबल कर दोगे आप जब भी सामने वाला आपको कोई भी फालतू मैसेज करता है तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। ऐसे करके आप किसी भी पर्टिकुलर चैट का यानी पर्टिकुलर पर्सन का जो नोटिफिकेशन को म्यूट कर सकते हो, वैसे आपको कोई परेशानी नहीं होगी अगर फालतू मैसेज करता रहता है। तो दोस्तों है ना काफी कमाल की ट्रिक, कमेंट करके जो बताना। अब बात करते हैं हमारी थर्ड ट्रिक की। तो दोस्तों व्हाट्सएप पर हम जब भी किसी से चैट करते हैं तो कुछ भी मैसेज टाइप करेंगे तो हमें केवल वो एक ही फोन देने को मिलता है, जो एज यूजुअल व्हाट्सएप में आपको देने को मिलेगा। आप ज्यादा कुछ छेड़छाड़ उसके साथ नहीं कर सकते, केवल आपको वही देने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा थर्ड ट्रिक में जिसकी मदद से आप काफी यूनिक टाइप के फोन यूज कर पाओगे और उसको टेस्ट में सेंड कर पाओगे। तो दोस्तों इसके लिए भी आपको जो बोबल कीबोर्ड है उसी की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट ट्रिक में बताया था। तो उसको आपको डिफॉल्ट कीबोर्ड के रूप में सेट करना है। जैसे आप सेट कर लोगे व्हाट्सएप पे जाओगे, व्हाट्सएप चैट ओपन करोगे और टाइप पे मैसेज भी क्लिक करोगे तो आपको जो कीबोर्ड है बोबल कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। जैसे ओपन हो जाएगा आप कुछ भी टाइप करते हो तो आप वहां साइड में देना आपको अलग ही टाइप का फोन देने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जो दिखने में 3D लगता है आप इसको सेंड कर दोगे सेंड हो जाएगा 3D फॉर्म में, जो दिखने में काफी ज्यादा कमाल का देने को मिलता है। यही नहीं, आप जब भी कुछ अलग अलग टाइप करोगे, मान लिया आपने एक मैसेज टाइप करा सेंड कर दिया 3D फॉर्म में, अब आप जब दूसरा मैसेज टाइप करोगे तो आपको अलग टाइप का कलर देने को मिलेगा, अलग टाइप का फॉर्मेट देने को मिलेगा, जो काफी यूनिक देने को मिलता है। और दोस्तों यही नहीं, इसमें आप काफी सारे और फोन देने को मिलते हैं, जैसे कि आपको ए स्क्वायर देने को मिल रहा हो वहाँ पर ऊपर उस पर क्लिक करना है, ए सिंबल पर जैसे उस पर क्लिक करोगे आप काफी सारे फोन देने को मिलेंगे। खास करके जो लव स्क्वायर वाला फोन है काफी कमाल का देने को मिलता है, काफी ज्यादा प्रोफेशनल लगेगा अगर आप कुछ भी टाइप करोगे, काफी ज्यादा प्रोफेशनल लगेगा जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो। तो दोस्तों अगर आप कुछ यूनिक तरीके से फॉर्मेट से आप किसी को मैसेज करना चाहते हो तो आप इस कीबोर्ड का यूज कर सकते हो। दोस्तों बात करते हैं हमारी फोर्थ ट्रिक की। तो दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप पे स्टिकर वाला ऑप्शन यूज करते हो और आप स्टिकर सेंड करना पसंद करते हो, लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि व्हाट्सएप में आपको लिमिटेड स्टिकर देने को मिलते हैं, ज्यादा स्टिकर देने नहीं मिलते, इसके लिए आपको एक अदर एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है अगर आपको ज्यादा स्टिकर चाहिए तो। लेकिन दोस्तों जो मैंने आपको बबल कीबोर्ड बताया था अगर आप उसको इंस्टॉल कर लेते हो पहले ही तो दोस्तों आप उसमें तीन काम कर पाओगे, एक तो एनिमेटेड इमोजी सेंड कर पाओगे, एक जो लेटर से यानी जो फॉन्ट है उसको भी चेंज कर पाओगे और स्टिकर का काम भी आपको जो बबल कीबोर्ड है वही कर देगा। जैसे आप टाइप मैसेज पर क्लिक करोगे व्हाट्सएप पर जाकर तो आपको ऊपर साइड में एक स्टिकर का ऑप्शन देने को मिलेगा, जिससे उस पर आप क्लिक करते हो आगे सामने बहुत सारे स्टिकर लोड हो जाएंगे जो काफी कमा के देने को मिलते हैं। स्टिकर हो गए, जिप्स हो गए और भी आपको काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें देने को मिलता है जो दिखने में काफी कमा के लगती है, किसी को भी आप सेंड करोगे तो काफी अच्छा लगेगा। और दोस्तों यही नहीं, आप खुद के अपने फेस से भी क्रिएट कर पाओगे, इसी कीबोर्ड में रहकर अपने फेस से भी स्टिकर क्रिएट कर पाओगे। वो कैसे, जैसे आप स्टिकर वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे आपको नीचे की साइड एक कैमरा का ऑप्शन देने को मिल जाएगा, आप कैमरा का ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे आपको अपनी सेल्फी या बैक साइड जैसे आप फोटो क्लिक करना चाहते हो वैसे क्लिक करना है, वो अपने एआई के थ्रू आपका फेस डिटेक्ट करेगा। उसके बाद आपको उसका जेंडर सेलेक्ट करना है कि आपका जेंडर मेल या फीमेल, जैसे सेलेक्ट करोगे उसके बाद
आपके फेस से रिलेटेड जितने भी स्टिकर्स होंगे सब आपको शो हो जाएंगे लाइन टू लाइन। आप किसी को सेंड करोगे तो वो भी दिखने में काफी ज्यादा फनी लगेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप काफी अलग अलग टाइप के स्टिकर्स किसी को भी सेंड कर पाओगे। तो दोस्तों अगर आप एक कीबोर्ड को इंस्टॉल करना चाहोगे तो मैंने पहले बता रखा है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देने को मिल जाएगी। दोस्तों बात करते हैं हमारी फिफ्थ ट्रिक की। तो दोस्तों आप व्हाट्सएप स्टेटस तो जरूर लगाते होंगे, लेकिन दोस्तों बहुत सी बार ऐसा होता है कि कोई स्टेटस है वो आप केवल अपने फ्रेंड्स को दिखाना है या केवल अपने फैमिली मेंबर्स को दिखाना है। आप बहुत सी बार ऐसा हो गया कि आपने फ्रेंड्स के रिलेटेड से लगाया और आप चाहते हो कि आपके फैमिली मेंबर्स को नहीं दिख सके, तो ये सेटिंग आप कैसे कर सकते हो? काफी सिंपल प्रोसेस है। इसके लिए आपको जो थ्री डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको जाना है सेटिंग पर, उसके बाद जाना है माय अकाउंट पर, और उसके बाद आपको जाना है प्राइवेसी पर। प्राइवेसी पर जैसे आप जाओगे आपको ऑप्शन देने को मिलेगा स्टेटस का, उस पर जैसे क्लिक करोगे वहाँ आपको तीन ऑप्शन देने को मिलेगा, एक तो माय कॉन्टैक्ट, एक हो गया माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, उसके अलावा आपको थर्ड ऑप्शन देने को मिलेगा ओनली शेयर विद। ये तीन ऑप्शन आपको देने को मिलेंगे। तीन ऑप्शन क्या कर काम के मैं आपको बताता हूँ। माय कॉन्टैक्ट पे आप क्लिक करोगे तो दोस्तों माय कॉन्टैक्ट जैसे आप टिक कर लोगे तो केवल आपके जितने भी नंबर होंगे केवल उन्हीं को आपको जो स्टेटस है वो शो होगा। और उसके अलावा आप माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे आप सिलेक्ट कर पाओगे किन लोगों को आपको स्टेटस नहीं दिखाना, वो आप जाकर माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट में जाकर सिलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए दो तीन लोग हैं जिनका आपको स्टेटस नहीं दिखाना, आप वो सेकंड वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि आप केवल अपने कुछ ही दोस्तों के यानी पांच छह दोस्त हैं आपके, केवल उन्हीं को स्टेटस शो करना है। तो और दोस्तों आपके मोबाइल नंबर बहुत सारे हैं तो दोस्तों आप ऐसे कहां तक सिलेक्ट करने बैठोगे? तो आपको सिंपल से जो थर्ड वाला ऑप्शन है ओनली शेयर विद, उस पर क्लिक करना है और जिन भी फ्रेंड्स को आपको स्टेटस शो करना है उनको टिक कर देना है। जैसे आप उनको टिक कर दोगे केवल उन्हीं लोगों को वो स्टेटस शो होगा और किसी को भी स्टेटस शो नहीं होगा। जाकर पांच फ्रेंड है और आपने पांचों को टिक कर दिया तो केवल आगे जो पांच फ्रेंड है और उन्हीं को स्टेटस शो होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हो किसको आपको स्टेटस दिखाना है और किसको नहीं। अगर आप डेली स्टेटस लगाते हो तो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल सेटिंग देने को मिलती है। तो बस यही थी पांच ट्रिक्स जिनके बारे में आपको वीडियो में बताना था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिक्स पसंद आएगी और वीडियो पसंद आएगी। अगर तो आपको दोनों पसंद आते वीडियो एक लाइक जरूर कर देना, साथ ही मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि व्हाट्सएप ट्रिक्स आपको कैसे लगी, कि आपको व्हाट्सएप ट्रिक्स के बारे में पहले पता था या नहीं, कमेंट करके जरूर बता देना। अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी उनको शेयर कर देना ताकि उनको भी ऐसी अच्छी ट्रिक्स के बारे में पता चल सके। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके और भी क्लिक कर लेना जिससे कि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों वीडियो में इतना, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।